बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन जरा बात कर लें लाइंस और एंगल्स की। किसी भी अगर एक लाइन इस तरीके से जा रही है, इसका एक पोर्शन जो होता है उसे हम कहते हैं, जिसके दो एंड पॉइंट होंगे उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और अगर एक पॉइंट हो यहां पर और ये इन्फाइनाइट में जा रहा है तो इसे हम रे कहते हैं। एक एंड पॉइंट है तो उसे हम रे कहते हैं। लाइन सेगमेंट को हम इस तरीके से ए बी के ऊपर, ए बी लाइन इसके ऊपर एक बार बना के दिखाते हैं, और अगर रे दिखाना है तो हम इसके ऊपर एरो करके दिखाते हैं। ओके, तो लाइन सेगमेंट हो गया, एरे ये रे हो गया। अब लाइन को कैसे दिखाएंगे, लाइन को आप इस तरीके से दिखाते हैं ये। लेकिन ये सिंबल हम बार बार यूज नहीं करेंगे, ये इसके आगे हम लाइन ए बी, रे ए बी, लेंथ ए बी, लाइन ए बी इस तरीके से बोलेंगे। और जो लेटर्स इसमें यूज किए जाते हैं वो एल एम एन, जैसे हम वेरिएबल जब यूज करते हैं वन वेरिएबल टू वेरिएबल इक्वेशन में तो एक्स वाई यूज करते हैं, यहां एल एम एन यूज करेंगे। तीन या उससे अधिक अगर पॉइंट एक लाइन में है, जैसे मैंने कहा ये लाइन है इसमें ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इसे हम कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। अगर ये तीनों एक लाइन में नहीं है तो हम इसे नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। कोलिनियर मतलब को मतलब एक साथ, लीनियर एक साथ एक लाइन में, ये पॉइंट्स होंगे। एंगल क्या होता है, जब दो रेज एक सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, जैसे ये रहा यहां एक रे गया, यहां पर एक रे गई, ये एंगल बना। ये जो एंगल है इसी को हम एंगल की बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो रेज है इसमें ये आर्म्स होते हैं, ये आर्म्स है, ये एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट से ये पहला आर्म हो गया, दूसरा आर्म होगा जहां एंड पॉइंट मीट हो रही है, या जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स कह रहे हैं, वर्टेक्स। तो ये एंगल 90 डिग्री से कम हो सकता है, ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, ये 90 से ज्यादा हो सकती है। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, एक्यूट एंगल क्या हो सकता है, ये इस तरीके से 90 डिग्री भी हो सकता है, तो राइट एंगल क्या है, स्ट्रेट लाइंस क्या होती है, अगर इस पॉइंट को देखें तो 180 डिग्री यहां से यहां तक बनाएगा, रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो देखिए एक्यूट एंगल जब 0 से लेकर 90 के बीच में अगर एक्स हो, अगर एक ऐसा एंगल हो, अगर मैं इस तरीके दिखाऊं आपको, ये 90 डिग्री हो गया, मैं यहां पर बनाता हूं, ये एंगल जो है एक्स, ये 0 और 90 के बीच में है, इसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। अगर ये 90 ये वाली लाइन हो गई, यानी कि ये 90 डिग्री बन गया, दिस इज 90 डिग्री, इसको हम कहते हैं राइट एंगल। अगर ये 90 से ऊपर निकल गया, यानी जेड जो है वो 90 और 180 के बीच में है, तो इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अगर यहां से यहां तक जो एंगल है पूरा 180 डिग्री है, तो ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन हो गई है, इसको हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन। अब यहां से लेकर यहां तक एंगल, ये अगर आपका एक्यूट एंगल है, तो इसका जो यहां से यहां तक एंगल होगा उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, 180 और 360 के दरमियान होता है। तो एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में, राइट एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 और 180 से कम उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से ऊपर और 360 से नीचे। दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट एंगल हम देख चुके हैं, दो एंगल एडजेसेंट कब होंगे, दो एंगल एडजेसेंट तब होंगे यदि उनका वर्टेक्स कॉमन हो, एक कॉमन आर्म हो इनके पास, देखिए ये कॉमन आर्म है, और जो उनके नॉन कॉमन आर्म है वो इसके कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड हो, मतलब ये इसके लेफ्ट में है, ये इसके राइट में, तो हम इसे कहेंगे ये एंगल और ये एंगल आपके एडजेसेंट एंगल है, राइट। इसमें ये BD जो है कॉमन आर्म है, इसमें B वर्टेक्स है, ये जो BA आप रे देख रहे हैं और रे BC जो है ये आपके नॉन कॉमन आर्म्स है। अगर ये एडजेसेंट है, और भी एक चीज देखते हैं एडजेसेंसी में, अगर एडजेसेंट है तो जो एंगल होगा, एंगल होगा यहां से लेकर यहां तक वो इसके और इसके सम के बराबर होगा। यानी अगर मैं इस ABC एंगल के बारे में बात करूं तो वो ABD प्लस DBC या CBD के सम के बराबर होगा। यहां पर अगर आप देखें कुछ एंगल आपको दिखेंगे एडजेसेंट एंगल, लेकिन वो एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि जो उनके नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक सेम साइड में है कॉमन आर्म BA के,
अभी आपको बताऊंगा इसको। यदि नॉन कॉमन आर्म BA और BC इस फिगर में हम आते हैं, इसमें नॉन कॉमन आर्म जो है BA और BC, इन दोनों में अगर हम देखें BA और BC एक लाइन बना रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से एक लाइन बन रहा है 6.3 में, इस वाले में, तो इनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। कुछ किस तरीके से बन रहा है लीनियर पेयर, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं। यहां पर एक आपकी ये एडजेसेंट एंगल है, दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है, और मैं जो देखिएगा इसमें जो ए बी सी है, ये वाला ए बी सी, ये वाला एंगल, और अगर मैं एक और एंगल लू ए बी डी, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए बी सी और ए बी डी, ये पूरा एंगल और ये एंगल, इसी तरीके से ये पूरा एंगल और ये एंगल, ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में, मतलब ये है कि अगर आपके जो नॉन कॉमन आर्म्स है, जो बी ए और बी सी है, अगर ये एक लाइन बना रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। बेसिकली इनका सम 180 डिग्री होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? वर्टिकली एंगल अपोजिट एंगल का मतलब ये होता है कि जो दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तब बनते हैं। जैसे ये ए बी लाइन है, ये आपकी सी डी लाइन है, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है। इस तरीके से ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है।